अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक 6.3 काइनेटिक एनर्जी। काय से के और इधर से एनर्जी से ई, तो सिंपल फॉर्म इसकी काइनेटिक एनर्जी की ये भी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये एक ऐसी एनर्जी होती है जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसमें उसकी हरकत की वजह से, उसकी मोशन की वजह से इसमें जो भी एनर्जी होती है ना वो काइनेटिक एनर्जी होती है। हम है ना, हम मूव करेंगे ना तो हमारे अंदर जो एनर्जी का नेम है वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। द एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक बॉडी है जिसका मास एम है, वो मूव कर रही है, ये किरण किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, डेट इज़ द वी। और यहाँ से बॉडी ने अगर चलना स्टार्ट किया है तो बॉडी यहाँ तक आ रही है, यहाँ पे आके रुक गई है। इसने यहाँ से यहाँ तक कोई तो पाथ कवर किया है, डेट इज़ अ डिस्टेंस एस, लेकिन यहाँ पे आके रुक गई है। उसको रुकने पर एक दूसरी फोर्स ने मजबूर किया है जो कि अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। वो अपोजिंग फोर्स कौन सी होती है? डेट इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर है? नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डेरिवेशन। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। हमने इसको प्रूफ करना है। हमने कैसे प्रूफ करना है कि काइनेटिक एनर्जी है कब होती है? जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे और वो बॉडी मूव करना शुरू कर दे तो उसकी मोशन की वजह से एनर्जी काइनेटिक होती है। बॉडी यकीनन मूव करती है किसी वेलोसिटी के साथ करती है, डेट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, उसको कह देंगे वी। पता नहीं कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 10, 20, 30 की, ये नहीं अभी पता हमें। हम जस्ट न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट डेरिवेशन समझ रहे हैं, तो वो सिंपल वी आ जाएगी। अब यहाँ से मूव करती करती यहाँ पर आकर रुक गई है, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि वो रुक गई है, रेस्ट की हालत में आ गई है। न्यूटन सेकेंड लाइफ इज इक्वल टू एम ए, एसेलरेशन इधर ही रहेगा, मास मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये किसकी वजह से आया? बॉडी रुक चुकी है, ठीक है, तो वो अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से रुकी है, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन इंडिकेट कर दिया गया। अब हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है, वी एफ भी है, वी आई भी है, ए भी है, डिस्टेंस भी बॉडी कवर कर रही है। हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नॉट अ फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि उसमें टाइम की बात कर रहा है, इसमें टाइम की बात नहीं कर रहा। सो हमने थर्ड इक्वेशन यूज़ की, इसमें वैल्यूज पुट कर दी। जीरो का स्केयर लो तो कुछ भी नहीं बचता, ये माइनस वी स्केयर और ये वाला माइनस। अब ये मास डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, टू मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये अगर हम इस तरीके से भी लिखें तो गलत नहीं होगा, हाफ एम वी स्केयर, ये गलत नहीं होता। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द, ये हाफ जो है ना, हाफ काइनेटिक एनर्जी, ये हाफ एम वी स्केयर किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के। सो हमने ये हाफ किसके बराबर था? काइनेटिक एनर्जी की, तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया? काइनेटिक एनर्जी, और पीछे क्या रह गया? एफ डॉट एस। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो बॉडी मूव करे, कोई डिस्टेंस कवर करे, तो उसके अंदर एनर्जी उसके बराबर काइनेटिक एनर्जी ही होती है। सो बेटा ये आपका टॉपिक था, और उससे रेलिवेंट आपने इधर से एक डेफिनेशन करनी है काइनेटिक एनर्जी की, जिसमें विंड की डेफिनेशन करनी है, उसके अलावा आपने इसमें से कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट आपने ये काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दैट चैप्टर।